इतनी विचित्र शीत है, क्या आपको भी इसका आभास हो रहा है महारानी? मुझे पता है तू पंछी है, वायु शीत है या उष्ण इसका अनुभव करने का अभ्यास है तुझे, किंतु अभी समय नहीं है, शीघ्र चल इससे पहले कि हमारी उपस्थिति का किसी को आभास हो जाए। एक क्षण महारानी, कुछ तो असामान्य है। भय लग रहा है तुझे तो अपने पांव को तनिक कष्ट दे, और हाँ भीतर जाकर अपना मुंह मत खोलना, जब तक मेरी आज्ञा ना मिले मौन रहना। क्या हुआ? ये मूर्ति नहीं है महारानी, कोई असुरी माया है। इतना आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मूर्ति है। आ मैं दिखाती हूँ तुझे। महारानी नहीं, महारानी रुकिए, जिसके प्रहार से महाबलीपुरम की भूमि भी फट गई, उस भीषण असुर का वार ऐसे सह गया ये जैसे किसी ने फूल मारा हो। थोड़ी देर और खेलता तुम्हारे साथ, पर बड़े भैया से मिलने की शीघ्रता है। इस पर मेरे किसी भी प्रहार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? मेरी विमाता पर प्रहार करने का तो साहस दोबारा मत करना। चलिए महारानी, करुण ने द्वारकाक्ष को पराजित कर दिया, असंभव। सोमनाथस्य श्री श्री मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनीं भीमशंकरम् सेतुबन्धे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं कौमुदीतटे हिमालयदूकेदारं दुष्मेशं च शिवालयं। यहां का वातावरण मेरी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है,
आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। बलि असुर अवश्य है किंतु दूसरे असुरों से बिल्कुल भिन्न है। वो एक पवित्र आत्मा है, अत्यधिक धार्मिक है, महादेव शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। यदि महाराज धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो फिर उनकी प्रजा इतनी क्रूर इतनी निर्दय क्यों है महारानी? राजा अपनी प्रजा के हृदय पर राज करने में विश्वास रखते हैं। वो अपनी जीवन शैली दूसरों पर नहीं थोपते हैं। उनके राज में सभी अपने स्वभाव के अनुसार असुरों की तरह आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो स्वयं भी एक सैन्य जीवन जीते हैं। अद्भुत, अभी तो बड़े भैया से मिलने में और अधिक आनंद आएगा। भूलना मत, तुम उसके लिए भाई नहीं हो, शत्रु हो तुम उसके। तुमने उसकी सेना को अपना कार्य करने से रोका था, उसके कुछ असुरों का वध भी किया था तुमने। शत्रु और भाई का अंतर तो मैं संभाल लूंगा, बस मेरी माँ और मेरे अन्य नाग भाई ठीक हो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम सौराष्ट्र सोमनाथस्य श्री श्री मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथम् च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्ध च रामेश्यम् नागेशम् दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरम् त्र्यम्बकम् गोमती तटे हिमालयम् तु केदारम् धुष्मेशम् च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः स्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरम्। महाराज बलि तो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर इन्होंने अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास क्यों किया? सभी पुत्र मेरे शेषनाग और वासुकी के जैसे नहीं होते हैं, जो धर्म और अपनी माँ की इच्छाओं में से किसी एक को चुने। बलि के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका धर्म है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी माँ की इच्छाएं भी है। उसने वही किया जो मेरी बहन दिति चाहती थी। वो राजा अवश्य है किंतु सत्ता की कुंजी उसकी माँ के हाथों में है। इसलिए यदि हमें युद्ध रोकना है तो बलि से अधिक उसकी माँ को मनाना होगा। बिल्व पत्रम समर्पणम्। करूड और कतरु यहाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कदरु? ये पक्षी ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भीतर कैसे आया? किसी द्वारपाल ने रोका नहीं इसे? प्रणाम महाराज बलि, प्रणाम माता दीति। प्रणाम माँ कदरु। कदरू, बिना बुलाए आने का क्या अर्थ होता है? बिना बुलाए तो सेना तुमने भी भेज दी थी मेरे महल में। तुम्हें क्या लगता था कदरू, ये पक्षी ये असुरों के साथ युद्ध करेगा, उनका वध करेगा और हम इसे इसके अपराधों का दंड भी नहीं देंगे? क्षमा कीजिए राजमाता, यदि आपको दंड देना ही था तो केवल मुझे दंड देती। मेरी माँ को, विमाता को,
मेरे नाग भाइयों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या थी? उन्हें इन सब में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो तो पहले से ही सम्मिलित हो चुके हैं। तुम्हारे पुत्र राहु ने केवल विंता को ही नहीं, मुझे भी धमकी दी थी। इसी कारण मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः। इन्होंने और इनकी बहन ने मुझे उकसाया था महाराज। ये दोनों इस पक्षी की सहायता कर रही थी। दीदी, गरुड़ के कारण असुरों का भी रक्त बह रहा और मेरे पुत्र भी चोटिल हो रहे हैं। इससे पहले कि किसी के प्राण चले जाए, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि ये युद्ध रुक जाए, तो ये युद्ध रुक सकता है। अच्छा किया तो इस पक्षी को हमारे पास लेकर आ गई। अब इसे हामी सौंप दो। कभी नहीं, कभी नहीं। बड़ी माँ मेरी रक्षा करने का प्रयास कर रही है, पर क्यों? क्षमा करें माँ कद्रू, पर क्या आप मेरी एक जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? अवश्य महाराज बलि। अब से कुछ दिन पहले आप चाहती थी कि हम असुर गरुड़ का अंत कर दें, और अब जब हम अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो आप हमें रोक रही हैं। ऐसा क्यों मां कद्रू? तब से अब तक ऐसा क्या बदल गया हम दोनों के बीच? बहुत कुछ। अब ये स्वतंत्र उड़ने वाला पंछी नहीं रहा, अब ये दास है मेरा, अब ये दास है मेरा, अब ये दास है मेरा। दास? ये पक्षी जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया, बजरंग जैसे महायोद्धा को भी खदेड़ दिया, ये दास बन गया है, और वो भी अपनी विमाता का। मुझे धैर्य दीजिए माँ। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। कद्रू, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम जो कह रही हो वो सत्य है? ये वही गरुड़ है जो अदिति को संकट में देखकर अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्वयं से पूछ कर देखो, मैं जो बोल रही हूं यदि वो सत्य नहीं है तो ये अपनी माँ को युद्ध स्थल में अकेला छोड़कर तुम्हारे सामने इस तरह नहीं खड़ा होता। आ, 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 आ,
ये केवल मेरे आदेश पर यहाँ पर आया है, क्योंकि इसकी माँ और स्वयं भी मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। मैं जैसे चाहूं जब चाहूं इन्हें अपने संकेतों पर नचा सकती हूं। अब चाहती क्या है मां कद्रू? शांति। यदि यह युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आपके असुर भी घायल होंगे और मेरे पुत्र भी। आप जानते हैं कि गरुड़ ने किस तरह असुर सेना को पराजित कर दिया था। किंतु अब मेरे शक्तिशाली पुत्र भी इस युद्ध का भाग बन चुके हैं और इस युद्ध का परिणाम केवल और केवल विध्वंस लाएगा महाराज। दोनों ओर के योद्धा अपने प्राण गंवा देंगे, इसलिए इस युद्ध को समाप्त करने में और मेरे पुत्रों को कभी भी कोई ना हानि पहुंचाने का यदि आप मुझे वचन देते हैं तो मैं भी आज आपको एक वचन देती हूं। आज के बाद मेरा ये दास करो असुरों के लिए संकट का कारण कभी नहीं बनेगा। आप कैसे ये वचन दे सकते हैं? असुरों ने मेरी माँ पर आक्रमण किया है, मेरे नाग भाइयों को संकट में डाला है और आपको भी तो मत बोल कि तू मेरा दास है। और जब तक दास को आज्ञा नहीं दी जाए वो बीच में ही बोलते हैं। गरुड़ को दंड दिए बिना यहां से वापस जाने नहीं दे सकता। तो क्या निर्णय लिया आप दोनों ने? ओम विष्णुवे नमः। हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने ना केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है बल्कि मेरे पुत्र अस्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए।